आया था तो एक्सेल पर क्या क्या करते हो, मतलब शॉर्ट की वगैरह पूछी थी, काम से रिलेटेड पूछे हैं, पूछते हैं जो भी पूछते हैं काम से रिलेटेड। काम से रिलेटेड ही पूछते हैं, कहीं जी पैसे पैसे की तो डिमांड नहीं की गई थी। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं की गई। अभी आप जिस कंपनी में हो वहाँ पे आपको कितनी सैलरी मिलती है? वहाँ 18 समथिंग पड़ जाती है मंथली। मंथली समथिंग 18 पड़ जाती जी है। जी पेटीएम फोन पे है वो स्कैन कर देते हैं आराम से आपको पे कर दीजिए, ठीक है? ऐसा नहीं होगा तो उसमें आपको हेलो रिवर, सभी का स्वागत है मेरे एक नए यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त इसरार, और आप देखना शुरू कर चुके हैं इसरार A to Z। दोस्तों जैसा आप सभी को पता होगा, मैं आपको इस चैनल पर नौकरी के बारे में बताता हूं। मैं आपको बताता हूं कि नोएडा में नौकरी कैसे मिलेगी। तो हाल फिलहाल हम एक ऑफिस में बैठे हुए हैं, हमारे साथ एक हमारे भाई हैं जो कि हमारे लिए गेस्ट हैं, आप लोगों के लिए भी गेस्ट ही है ना। तो एक हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं जो कि ये भी जॉब को बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे थे। हाल फिलहाल इनको जॉब मिली है, किस तरीके की जॉब मिली है, जॉब में कितना स्ट्रगल करना पड़ा, वर्क क्या है, सैलरी कितना है, इंटरव्यू कैसे हुआ था, सब कुछ आपको आज की इस वीडियो में जानने को मिलेगा। वीडियो में आप लोग बने रहना, वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है। जो हमारे भाई कमेंट्स करके पूछते हैं, इंस्टाग्राम पे पूछते हैं, वो चीज़ें आपको लाइव आज जानने को, सुनने को, समझने को, देखने को मिलने वाला है। वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली, मैं पहले से फिर से बोल देता हूँ। जो हमारे भाई नोएडा NCR में पहुँच चुके हैं, उनको सैलरी को लेकर इशू आ रही है या तो जॉब के लेके इशू आ रही है, किसी भी प्रकार की इशू है, तो इस वीडियो में उनको सॉल्यूशन मिलने वाला है। आज हमारे साथ एक हमारे भाई हैं, स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। जी शुक्रिया। क्या नाम है सर आपका? अनीस अहमद। अनीस जी कहाँ के रहने वाले हो आप? डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद। अच्छा फिरोजाबाद, कितने दूर किलोमीटर है यहाँ से? यहाँ से 300 किलोमीटर है। 300 किलोमीटर है। तो नोएडा में कब से हो आप? जी हो गया 2 महीने हो गए। 2 महीने लमसम हो गए। स्टार्टिंग जर्नी कैसी रहेगी नोएडा का, कैसी रही? स्टार्टिंग में ठीक नहीं था, इधर इधर भटके थे बहुत, फिर यहाँ पर आपका यूट्यूब चैनल देख कर आए थे, फिर आपके ऑफिस में आए, सत्य सर के ऑफिस में, वहाँ फिर बात की हमने, फिर वहाँ पर इंटरव्यू के लिए गए थे, उन्होंने फिर लगवाया, फिर एक जगह और इंटरव्यू के लिए भेजा। अब ठीक है, वहाँ पर सैलरी आराम से मिल रहा है, 18,000 पड़ जाता है। 18,000 पड़ जाता है। जी जी तो पहले जब नोएडा के अंदर आप आए थे तो वहाँ पे आपको कैसे जॉब सर्च किया, किस किस कंपनी में गए थे और क्या क्या आपसे कहा गया, वो ज़रा एक्सप्लेन करिए, क्योंकि जो हमारे भाई बाहर आते हैं ना उनको थोड़ा सीखने को मिलेगा। जी वहाँ कोई ज़्यादा इंटरव्यू नहीं लेता है, बस पूछते हैं मतलब कि क्या कहाँ काम किए हो, कहाँ नहीं किए हो, इसलिए कोई डरने की बात नहीं है। जो भी लोग बाहर से आते हैं बेझिझक होकर आएँ, इसरार सर का यूट्यूब चैनल जो लोग देखते हैं ये रियल है एकदम, क्योंकि सारा लाइव दिखाते हैं यहाँ पर, इसलिए क्या है ना किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी आया था, मैं भी कॉल कर कर आया था, मुझे भी बहुत डर लगा था, लेकिन आज मैं आया तो मुझे यहाँ परिवार जैसा लगा यहाँ पर, जी बिल्कुल। तो मैं भी एकदम ठीक हूँ, अब मेरा भी जॉब लग गया है। अच्छा जो हमारे भाई बाहर से आना चाह रहे हैं, मान लीजिए नए हैं, फ्रेशर हैं, वो कुछ नहीं जानते हैं इंडस्ट्रियल एरिया के बारे में, वो पहले अगर यहाँ आते हैं किसी भी कंपनी के लिए, किसी जॉब के लिए, किसी भी कंपनी के थ्रू या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, तो क्या किसी को पैसे देने होते हैं जॉब के लिए? नहीं, अगर और किसी के थ्रू जाते हैं उनकी मैं कह नहीं सकता, क्योंकि फ्रॉड बहुत चल रहा है आजकल, तो इसलिए जो मतलब पैसे नहीं लेते हैं, जो रुपए की बात ही नहीं करते हैं, उनके पास उनको जाना चाहिए। जैसे एक आपकी टीम में जॉब पॉइंट है, और भी इसरार सर जहाँ जहाँ जाते हैं, जहाँ जिससे बात करते हैं, इसरार सर जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ पर मतलब कोई रुपये नहीं ले सकता, आप इनसे कांटेक्ट करें। बिल्कुल जी हाँ बिल्कुल सही कहा, हमारी जो वीडियो होती है फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, फ्री में। जी हाँ दोस्तों, जहाँ फ्री में जॉब मिलती है वहीं पे आपका भाई इसरार जाता है। अच्छा इंटरव्यू, अभी जब से आप नोएडा के अंदर, कितने इंटरव्यू आपने दिया? मैं 2-3 जगह दे चुका हूँ इंटरव्यू। अच्छा जी अच्छा इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें नॉर्मली पूछते हैं? इंटरव्यू नॉर्मली पूछते हैं कि फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो, अगर फ्रेशर हो तो फिर कुछ नहीं बस, और अगर एक्सपीरियंस हो, जैसे कि मेरे से पूछा था डाटा एंट्री के लिए मैं आया था, तो एक्सेल पर क्या क्या करते हो, मतलब शॉर्ट की वगैरह पूछी थी, काम से रिलेटेड पूछे हैं, पूछते हैं जो भी पूछते हैं काम से रिलेटेड। काम से रिलेटेड ही पूछते हैं, कहीं जी पैसे पैसे की तो डिमांड नहीं की गई थी? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं की गई। अभी आप जिस कंपनी में हो वहाँ पे आपको कितनी सैलरी मिलती है? वहाँ 18 समथिंग पड़ जाती है मंथली। मंथली समथिंग 18 पड़ जाती जी है। जी बेसिक वहाँ पे वर्क क्या है, काम क्या है आपका? वहाँ ऑफिस वर्क है पूरा, एकदम अपना मेंटेन करना पड़ता है, MIS करनी पड़ती है पूरी, स्टूडेंट की पूरा प्रोफाइल मतलब चेक करना है, सब कुछ करना है, कॉलिंग वगैरह ये काम होता है। तो अभी आप क्या कह रहे हैं, चाह रहे हो जैसे जॉब पॉइंट की मैं वीडियो बनाता हूँ हमेशा से ही कंटिन्यू, है ना? तो जॉब पॉइंट के लेके क्या आपके मन में है? मेरे मन में तो बस यही है कि जो भी लोग आएँ सबसे पहले नोएडा में, वो फालतू का टाइम वेस्ट इधर इधर ना करें, जॉब पॉइंट पर आएँ, वहाँ जाएँ, वहाँ दूसरे दिन सिलेक्शन हो जाएगा, वहाँ पर इंटरव्यू दिलवा देंगे वो। हाँ देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है दोस्तों, आपके ऊपर काबिलियत
जितनी आपकी काबिलियत है उस हिसाब से यहाँ पे सैलरी के साथ साथ जॉब भी मिलती है ना, ये चीज़ आपको। जी 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 बिल्कुल। खासतौर से जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स के अंदर काबिलियत अगर है और वो हमारी वीडियो देख रही हैं तो वो जॉब पॉइंट आया, जॉब पॉइंट तरह तरह की लड़कियों के लिए यहाँ पे बहुत वैकेंसी है सर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, लड़कों के लिए तो कम है, लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा वैकेंसी है दिल्ली NCR में। जी जी जी, कॉल सेंटर हुआ और भी जगह हैं, ऑफिस वर्क हुआ, यहाँ बहुत जॉब हैं। तो अभी जॉब पॉइंट को कितना रेटिंग देना चाहते हो, कितना नंबर देना चाहते हो आप जॉब पॉइंट पे? रेटिंग देना चाहते हैं बस 110%, पूरा देना चाहते हैं, जितना देना चाहते हैं उतना कम है बिल्कुल। जी मतलब इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल एकदम सेटिस्फाई हैं कि यहाँ जॉब पॉइंट एकदम ट्रस्टेबल कंसल्टेंसी है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, है ना। जी अच्छा लग रहा है। नहीं तो दोस्तों देखिए, आज हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं इन्होंने जो चीज़ें बताई हैं उम्मीद करता हूँ कि उस चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा सीख मिली होगी। तब जब पहली बार आप जॉब पॉइंट में आए थे तो आप कैसे आपको लगा था, मतलब मिलके जॉब पॉइंट सतीश चौधरी से मिलके, कंसल्टेंसी से मिलके, जहाँ पे आपकी जॉब लगी वहाँ पे जाके कैसा आपको फ़ील हो रहा था? जी एकदम घर जैसा फील हो रहा था स्टार्टिंग में मैं आया था, थोड़ा हेजिटेशन भी हो रहा था मेरे को कि पता नहीं क्या होगा, कैसे लोग होंगे, लेकिन जब मैं गया तो सबसे पहले आपसे ही मुलाकात हो गई थी मेरी, आप खड़े हुए थे। जी जी, आपने पानी की मुझे, मैंने अच्छे लोग हैं मेरी, खूब ज़्यादा मतलब खुद खड़े हो गए थे, खुद मेरे को बिठा ला सीट पर, मुझे एकदम घर जैसा फील हुआ था। जी हाँ, जी हाँ। जी तो दोस्तों देखा ना, इंटरव्यू में हमारे भाई हैं ये, आज इनकी जॉब लग गई है, बहुत खुशी का दिन है और मुझे बहुत खुशी होती है जब किसी हमारे भाई को हमारे वीडियो की मदद से नौकरी मिलती है। और आदिल भाई सॉरी अनीस भाई, हाँ यकीन मानिए कि हमारे वीडियो से पर डे कितने बंदों को नौकरी मिल रही है ना, मुझे खुद नहीं पता, सच बता रहा हूँ। जी जी, जो हमारी वीडियो देख रहे हैं और आप भी इच्छुक हैं काम करना चाह रहे हैं तो नोएडा के अंदर आप आएँ, ठीक है? आप ये मत सोचो कि नोएडा के अंदर जाएंगे तो पता नहीं हमारे साथ क्या हो क्या, ऐसा कुछ नहीं है। आप सबसे पहले आएँ, रूम लें, रूम शेयरिंग वाली ले, जिसमें से 2,000-3,000 की रूम है तो पर डे का, पर डे पर महीने का, पर डे पर आदमी का पड़ेगा 1,000 रुपीज़। उसके बाद फिर वीडियो मेरा कंटिन्यू आप देखो, मैं जो जो चीज़ें बताता हूँ उस चीज़ों को फॉलो करो, वहाँ वहाँ जाओ लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट। जहाँ पे पोस्टर लगाई जाती है, बैनर है ना, पंपलेट, वहाँ पे लिखा जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, आप दूर रहे वहाँ पे पैसे ली जाती है ना सर? जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। वहाँ पे बहुत सारे हमारे भाई थे जो पैसे दे के फिर मुझे संपर्क करें, इसरारे हमने तो वहाँ पे 2,500 दे दिए 2,000, तो इन सब चीज़ों से आप बचें। से कहीं भी आपको जाना है जॉब के लिए, मेरे थ्रू नहीं किसी और के थ्रू भी, तो आपको पैसे कहीं भी नहीं देने। तो उम्मीद करता हूँ आज की हमारी वीडियो आपको बहुत ही पसंद है, वीडियो पसंद है एक लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में एक नए नौकरी के साथ, एक नए वैकेंसी के साथ, रखिएगा अपना ख्याल, नए वीडियो के लिए तब तक के लिए बाय बाय।